हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप हिकविजन डीवीआर के अंदर आईपी कैमरेज को कैसे ऐड कर सकते हैं इन इको डीवीआर। यहां पर हमने एसएडीपी टूल को ओपन किया हुआ है। यहां पर हमने एक इको डीवीआर और एक आईपी कैमरा ये हमने कनेक्ट किए हैं और एसएडीपी टूल में जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्टेटस जो है इनएक्टिव दिखा रहा है दोनों ही डीवीआर और आईपी कैमरे का। तो अब हम एक बहुत ही क्विक एडिशन कैसे हम फास्टली इसको ऐड कर सकते हैं अपने इको डीवीआर के अंदर, तो ये हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर दोनों कैमरेज हमने यहाँ पर डीवीआर और एनवीआर हम इसको दोनों को टिक करेंगे और दोनों को एक साथ हम इसको जो है पासवर्ड इनका सेट करेंगे। सपोज़ हमने किसी भी डीवीआर का दोनों का पासवर्ड हमने सेम रखा है तो हम क्या करेंगे कि ये सेम पासवर्ड हमने क्रिएट न्यू पासवर्ड और रिपीट न्यू पासवर्ड इसमें हम दोनों में सेम पासवर्ड हम डालेंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमारे जो एनवीआर जो ये डीवीआर है और जो हमारा आईपी कैमरा है दोनों का पासवर्ड सेम हो जाएगा। तो जो कि आगे हमें वन टच एडिशन में यानी फास्ट कैलकुलेशन में जिसमें फास्ट एडिंग में आईपी कैमरे में हेल्प करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम जो है इसको यहाँ पर हमने ओके कर दिया और यहाँ पर करने के बाद हम देखेंगे कि ये देखिए ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आ गया, इसको हमने कैंसिल कर दिया और यहाँ पर देखिए दोनों जो डीवीआर और कैमरा है वो ग्रीन दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब वो दोनों कैमरे कैमरा और जो है डीवीआर वो ऐड हो चुके हैं। ये हमारा 7808 HG HI F1 इको वाला मॉडल है। अब इसमें हम इसको क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद हम इसका जो डीवीआर का हमारा आईपी एड्रेस है वो हम डीवीआर का आईपी एड्रेस डालेंगे। तो ये हमारा इको डीवीआर है 8 चैनल का जिसके अंदर की दो आईपी कैमरे ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे आईपी कैमरा ऐड होता है। अब हम डीवीआर ओपन करते हैं। तो ये हमने डीवीआर ओपन किया, यहाँ पर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड वही पासवर्ड जो हमने वहाँ पर बनाया था अपने एसएडीपी टूल में ये हमने यहाँ पर बनाया है और अब हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम देखेंगे कि ये ऑप्शन कि लाइव व्यू में देखेंगे तो लाइव व्यू में अभी हमारे पास केवल एक कैमरा कनेक्टेड है और हमारे जो बाकी 7 कैमरेज हैं वो नहीं कनेक्टेड हैं। तो इसलिए यहाँ पर केवल एक कैमरा शो हो रहा है और अब हम देख 9th कैमरा जो हमारा आईपी कैमरा है उसको हम ऐड करेंगे। तो इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फिर वहाँ पर ऑप्शन आता है आपके पास लेफ़्ट साइड में। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर कैमरा मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है। तो हम उस कैमरे मैनेजमेंट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया और ऊपर ऑप्शन आता है आईपी कैमरास जहाँ, तो यहाँ पर आईपी कैमरे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन है क्विक ऐड। तो हम यहाँ पर एक तो मैन्युअली भी डिफाइन कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली यानी क्विक एडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्विक एडिंग के थ्रू कर रहे हैं, चाहे तो हम मैनुअल भी कर सकते हैं। तो क्विक ऐड पर हमने क्लिक किया तो उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो कैमरा आपका कनेक्टेड है वो एक्टिवेट हो चुका है और उसकी आईपी यहाँ पर शो हो रही है। तो उसके आगे हम टिक लगाएंगे और यहाँ पर हम ओके करेंगे। तो ओके करते ही हमारा सेव सक्सेडेड ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, सेव सक्सेडेड। फिर उसके बाद हम कैमरे को आगे फिर टिक करेंगे और उसके बाद हम एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे और एक्टिवेशन पे क्लिक करने के बाद वही पासवर्ड जो हमने बनाया था, तो यहाँ पर हमने यूज़ जो डीवीआर पासवर्ड है वही हमने उस पर टिक लगा दिया है। अगर कोई हमारा पासवर्ड चेंज है तो हम दूसरा भी कर सकते हैं और करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ये डिवाइस जो हमारा कैमरा है ये ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन यहाँ पर शो कर रहा है। और फिर हम इसको लाइव व्यू में जाएंगे, लाइव व्यू में देखेंगे कि क्या हमारा कैमरा 9th नंबर पर आ रहा है। तो जैसे ही हमने क्लिक किया देखिए हमारे पास 8 पोर्ट का डीवीआर था तो उसमें 9th पोर्ट पे ये कैमरा यहाँ पर विजिबल हो गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी आईपी कैमरे को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि इसमें हम इस तरह वीडियो आपको इसमें डालते रहते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट